हरे कृष्णा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रजजनरञ्जन यमुनातीर वनचारि यमुनातीरा वनचा जय राधा राधामाधव बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदा श्रीवासादे गोरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे गोकुलानन्द राधा गोकुलानन्द राधे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ बलदेव जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोतर शतवायन ग्रेस अभयचरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनकोटि वैष्णववृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामयी की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की समवेत भक्त वृंद की जाय श्री श्री गुरु गौरांग की भगवदगीता ओम नमो भगवते वासुदेवाय

अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा हे अनघ यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय ज्ञाना चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणलिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वांछाकतरूभ्य कृपासीधुभ्यवति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनितानंदीअद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम, राम हरे 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 कृष्ण आज गीता जयंती का पावन दिन है मोक्षदा एकादशी तो भगवत भगवत गीता इस दिन पर बोली गई थी श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के ऋणभूमि पर यह उपदेश प्रदान किया था अब भगवत गीता तो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है विश्व भर में पहले तो केवल भारत में प्रसिद्ध था अब श्रील प्रभुपाद के प्रयास से उनकी कृपा से उनकी शुद्ध भक्ति से अब भर में प्रसिद्ध हो चुका है वैसे ये शब्द एक है गुह्य जिसको बार बार हम गीता में पढ़ते हैं गुह्य हो गुह्य तरह हो गुहतम हो ऐसे तो भगवत ये गुह्य शब्द का तात्पर्य है कि ये एक बड़ा रहस्य है और इस रहस्य का खुलासा गीता में ही भगवान श्री कृष्ण करते हैं तो गीता को एक रहस्यमय ग्रंथ क्यों बताया गया है रहस्य वो होता है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं जिसके बारे में ज्ञान अनेक लोगों को नहीं है जिसको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है परंतु हम देखते हैं कि भगवत गीता ये तो हर एक पुस्तकालय में ग्रंथालय में उपलब्ध है किसी भी एक किताब के दुकान में जाइए वहां आपको गीता प्राप्त हो जाएगा आजकल भारत में तो लाखों लाखों करोड़ों घरों में गीता है तो फिर इसे गुह्य क्यों कहा गया है वैसे देखिए किसी भी चीज को समझने के लिए स्तर होते हैं जानने के स्तर होते हैं जैसे कोई नौसुखिया व्यक्ति होता है किसी भी विषय का ज्ञान उसे बहुत ही ऊपर ऊपर से होगा तो भला भले कुछ तो जान ले उस विषय के बारे में और थोड़ी जो सूक्ष्म बातें हैं वो भी उनको जान ले तो उसे गुह्य कहते हैं गुह्य ज्ञान क्योंकि जो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास उस विषय के बारे में बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं है उनकी तुलना में इसके पास तो ज्ञान है ना कुछ तो है थोड़ी चीजों को तो जानता है लेकिन इससे अधिक जो कोई दक्ष है प्रवीण है उस विषय में तो उसका ज्ञान गुहे तरह कहलाता है और जो बहुत ही निपुण है उस विषय में बहुत ज्यादा आगे पढ़ा लिखा हुआ आदमी है उच्च श्रेणी का शिक्षण इस विषय में प्राप्त किया हो किसी व्यक्ति ने तो उसका ज्ञान तम कहलाता है क्योंकि ऐसे बातें होती हैं उस विषय के बारे में जिन जिनको की केवल वो व्यक्ति जानता है अन्य जो छात्र होते हैं उस विषय के वो नहीं जानते हैं तो ठीक उसी तरह से भगवद गीता भगवत गीता एक रत्न है तो इस रत्न को अलग अलग दृष्टि से देखने वाले लोग अलग अलग तरह से देखते हैं जैसे एक मणि होता है ना तो एक दृष्टि से देखने से इसका एक रंग प्रतीत होता है दूसरे दृष्टि से कोई दूसरा रंग दिखाई पड़ता है तो जैसे जैसे लोगों की मानसिकता होती है जैसे जैसे लोगों की आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति होती है वैसे वैसे वो गीता को अलग अलग दृष्टि से देखेंगे अब ऐसे कई लोग हैं अधिकतर अधिकांश जो लोग होते हैं जो गीता को पढ़ना चाहते हैं जो समझते हैं कि हम गीता जानते हैं वो वास्तव में भगवत गीता को बिल्कुल नहीं जानते वो मानसिक चिंतन के द्वारा कोई मनमाने ढंग से कोई ना कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं जिससे वास्तविक सत्य का कोई संबंध नहीं है तो ये भगवत गीता ये लोग भगवत गीता को नहीं समझते हैं इसलिए ये इनकी समझ जो है ये गोही भी नहीं कहलाई जा सकती क्योंकि सही समझ है ही नहीं गुह तब होगा जब सर्वप्रथम बात सही होगी जब समझ ठीक होगी यदि बात समझ ही गलत है तो फिर वो गुह्य कैसे हो सकता है तो जो अधिकांश लोग जो भगवत गीता के बारे में प्रवचन भी देते होंगे और पढ़ाई भी करते होंगे तो वो भी गलत समझते हैं भगवत गीता को तो उनकी बात तो दूर है जो कि भगवत गीता के बारे में कुछ जानते ही नहीं है पढ़ते ही नहीं है उनके लिए तो बहुत बड़ा रहस्य है ये परंतु जो व्यक्ति गीता को समझना चाहता है गहराई में जाना चाहता है एक गंभीर छात्र है विद्यार्थी है गीता का उसके भी उसके लिए भी समझने के स्तर गीता में होते हैं तो यह तरतम्य न्याय होता है संस्कृत में हिंदी में भी हमारे भारतीय भाषाओं में ऐसे होता है तरतम्य न्याय है। जैसे हम कहते हैं कि कृष्णदास लंबा है ये एक वाक्य है जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का कोई अध्ययन करना चाहते हैं तो हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि यह लंबा है धनी है बुद्धिमान है दुष्ट है परंतु कितना दुष्ट है यह हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं अन्यों की तुलना में इसलिए जब तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करना होता है तो हम कहते हैं कृष्णदास जगन्नाथ दास से ज्यादा अधिक लंबा है तो हमने तुलना कर दी दो लोगों के बीच में परंतु जब सबसे तुलना करना करना होता है तो हम कहते हैं कृष्णदास सबसे लंबा है तो इसलिए हम देखते हैं कि यह स्तर है एक सकारात्मक कोई एक वाक्य है फिर तुलनात्मक वाक्य है और उसके अतिरिक्त फिर सर्वश्रेष्ठता का, का भी एक वाक्य है तो ये जो गुह्यता है गीता की ये गुह्य है ना रहस्य है भक्तों से मैं सखा चेती रहस्यम ये दी उत्तम तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन ये गीता का उपदेश एक रहस्य है परंतु तुम मेरे सखा हो मेरे भक्त हो इसलिए इस रहस्य का खुलासा मैं करूंगा आज तुम्हारे लिए हु? परंतु जगह जगह भगवान ने यह गोह्य गोह्य तरह गोह्य तमा यह भी कहा है अठारहवें अध्याय में भी ऐसे कहा है वैसे विषय बहुत लंबा है इतनी गहराई में विषय में नहीं जाएंगे क्योंकि कौन से अध्याय में भगवान ने क्या क्या कहा है और भागवत में भी ऐसी बहुत सारी चीजें बताई गई हैं परंतु यहाँ पे पंद्रहवें अध्याय के अंतिम श्लोक में बीसवें श्लोक में भगवान कहते हैं इति इतनी तमम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ तो ये जो श्लोक है मे ये जो शास्त्र है मेरे द्वारा अब कहा जा रहा है तुम्हारे लिए हे अनघ अनघ अर्थात जो पापों से मुक्त है जिसके अंदर कोई पाप नहीं है पाप रहित व्यक्ति को अनग कहते हैं तो हे अनघ अर्जुन अब मेरे द्वारा ये शास्त्र जो कहा जा रहा है तुम्हें वो सबसे गुह्य है गुही तम है तो अब हम पंद्रहवें अध्याय में पहुंच चुके हैं बुद्धिमान कृत भारता। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे तो ऐसी कौन सी बात इस श्लोक के पहले श्री कृष्ण ने कही है जिसके कारण अब कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें ये गुहतम बात बताई है सबसे गुह्य बात बताई है तो इसके पहले वाला श्लोक कौन सा है यो माम एवं असम जानाति जाना पुरुषोत्तम स सर्वविद भजती माम सर्वभावे न भारत यो माम एवं असमूढ़ जो मुझको इस प्रकार समझता है कैसे समझता है कि मैं पुरुषोत्तम हूं समस्त जीवों में से समस्त पुरुषों में से मैं उत्तम हूं असम मूढ़ जानाती जो जानता है संशय रहित जो बिना किसी संशय के श्रद्धा पूर्वक, तत्वत यह जानता है कि मैं अर्थात श्री कृष्ण परम हूं मेरे से कोई श्रेष्ठ नहीं है सर्ववित सब कुछ जानता है और भजति माम सर्वभावे न भारत और इसलिए वो मेरी भक्ति करता है तो प्रभुपाद जी अनुवाद इस प्रकार से करते हैं जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है अतएव हे भरत पुत्र भरतवंशी होना चाहिए वास्तव में वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है यहां पर एक भक्त की भक्त का वर्णन हो रहा है इसका मतलब है कि भक्त ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है जितने भी आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं तरह तरह के वैरागी हैं योगी हैं ज्ञान योगी कर्म योगी, अष्टांग योगी इत्यादि उनमें से जो भक्ति योगी है जो भगवान कृष्ण का भक्त है वो सर्वश्रेष्ठ है तो भक्त श्रेष्ठ है अर्थात भक्ति सर्वश्रेष्ठ है तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण नौवें अध्याय के पहले श्लोक में भी गुह्यतम शब्द का प्रयोग करते हैं तू, ते गुहतम प्रवक्षा वे ज्ञानम विज्ञान सहित जोक्ष से के अर्जुन इदम ये जो ज्ञान है इस ज्ञान को जो कि बहुत गुह्य है सबसे गुह्य है गुह्य तमम प्रवक्ष्यामी अनसूयवे मैं ये तुम्हें कह रहा हूं क्योंकि तुम अनसूय हो अनुसूय अर्थात तुम्हारे अंदर कोई असूया नहीं है कोई ईर्ष्या है कोई द्वेष नहीं है किसी के प्रति तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो पूर्ण ज्ञान है उसको समझने का एक ए, उसकी समझने की योग्यता जो है वो यहां पर बताई गई है हमें ईर्षा रहित द्वेष रहित होना चाहिए प्रवक्षामी, वकश्यामी अर्थात मैं कहता हूं मैं कह रहा हूं और प्रवक्ष्यामी अर्थात प्रकृष्ट रूपेण वक्षामि, मैं बहुत स्पष्टता से जोर देके, मैं ये कह रहा हूं प्रवक्षामि अनसूयवे, क्योंकि तुम ईर्षा रहित हो हे अर्जुन ये गुह्य ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं ज्ञानम विज्ञान सहितम जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाएगे जाओगे इसलिए मैं तुम्हें इस परम गुह ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा तो यह गुह्य तम के दो भाग हैं ज्ञान और विज्ञान तो ज्ञान है और उसका अनुभूत ज्ञान है जब उस ज्ञान का अनुभव करते हैं उसका साक्षात्कार करते हैं तो वो विज्ञान हो जाता है तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में भक्ति ही ये गुह्यतम है भक्ति योग गुहतम है तो और कौन सी चीजें हैं जो गुह्य हैं और जो तर हैं शिल भक्ति विनोद ठाकुर और शिला प्रभुपाद जी के उपदेशों के अनुसार आज मैं कुछ आप सबको बतलाना चाह रहा हूँ कि गीता पढ़ने के तीन स्तर कौन से हैं या गीता के ज्ञान के या गीता के समझने के तीन स्तर अलग अलग दृष्टिकोण से कौन से हैं सबसे पहली बात जब हम भगवान को केवल निराकार निराकार जानते निराकार ब्रह्म ज्योति और इससे ऊपर इससे बढ़ के इससे अधिक हमारा ज्ञान नहीं है तो ये गुह्य ज्ञान है क्यों गुह्य है क्योंकि अधिकतर लोगों को ये भी पता नहीं है कि ये भौतिक सृष्टि के परे कुछ है क्योंकि ये निराकार ब्रह्म ज्योति जो है ये भी हमारी इंद्रियों के परे है भौतिक जगत के परे है हमारे विज्ञान गणित आदि के परे है तो जो लोग भौतिकतावादी हैं जो केवल कि, इस भौतिक स्तर पर मंडरा रहे हैं उनके मन में ये आध्यात्मिक प्रकाश का कोई ज्ञान नहीं है इसलिए उनकी तुलना में यह गुह्य ज्ञान है तो इसे गुह्य ज्ञान कहते हैं निराकार ब्रह्म का ज्ञान अब इसे ज्ञान योगी जानते हैं इसलिए ज्ञान योग ये भी गुह्य है परंतु जो अष्टांग योगी होते हैं वो ज्ञान योग से आगे बढ़ते हैं निराकार ब्रह्म से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वास्तव में भगवान भगवान जो है परम सत्य वो हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान है तो परमात्मा के रूप में तो यह गुह्यतर ज्ञान है इसलिए अष्टांग योगी का स्तर गुह्यर है जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो गुह्यम ज्ञान को जानते हैं कि वास्तव में न केवल निराकार ब्रह्म परंतु परमात्मा स्वरूप भी भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं इसलिए भगवान श्री कृष्ण इनका ज्ञान होना यह गुह्यतम है सबसे गुह्य तो पहले है निराकार ब्रह्म का ज्ञान फिर परमात्मा का ज्ञान और भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान यह समझ लेना कि भगवान श्री कृष्ण एक व्यक्ति हैं उनका एक दिव्य विग्रह है सच्चिदानंद विग्रह है। और इन तीन मार्गों में चलने वाले जो साधक होते हैं अपने अपने मार्गों में सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं वो हैं ज्ञान योगी अष्टांग योगी और भक्ति योगी तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि गीता के तीन विभाजन हैं 18 अध्याय हैं और ये तीन जो भाग हैं वो 6 अध्याय के होते हैं 6 तो पहले 6 अध्याय जो हैं इनमें योग का उल्लेख है या वर्णन है तो ये गुह्य है अंतिम 6 अध्यायों में अर्थात तेरहवे से अठारहवे तक इनमें ज्ञान योग का वर्णन है तो इसलिए यह गुह्य ज्ञान है परंतु बीच वाला जो भाग है अर्थात सातवें से बारहवें तक तो यह है गुहतम ज्ञान क्योंकि इसमें भक्ति योग का वर्णन है वैसे भक्ति योग का उल्लेख हरेक अध्याय में है परंतु विशेष रूप से विस्तार से वर्णन हम इस भाग में पाते हैं बीच वाले भाग में और इस भाग का बीच वाले भाग का बीचवा बीच का अध्याय है नौवा परम गुह्य ज्ञान जिसका पहला श्लोक है इदम तूते गुहे तमम प्रभक्ष्यामी अनुसूय इस श्लोक का उल्लेख मैंने अभी अभी किया तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि ये एक बहुत गुह्य चीज है भगवान श्री कृष्ण कि भक्ति का ज्ञान होना यह जानना कि भगवान श्री कृष्ण एक परम व्यक्ति हैं दिव्य व्यक्ति हैं केवल उनके शरण में जाके उनकी शुद्ध भक्ति करने से हम जीवन की संसिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं यह परम गुह्य ज्ञान है तो जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं भले वो इतने बड़े कोई पंडित न भी हों परंतु हृदय से श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा कर रहे हैं तो वो श्रेष्ठ माने जाते हैं किनकी तुलना में जो बड़े बड़े ज्ञानी भी होंगे संस्कृत पंडित होंगे परंतु जिनका ज्ञान केवल निराकार ब्रह्म तक सीमित है या वो उन अष्टांग यो, अष्टांग योगी की तुलना में जिनका ज्ञान केवल परमात्मा तक सीमित है ऐसे बड़े बड़े अष्टांग योगी ज्ञान योगी कर्म योगी इत्यादि इनसे श्रेष्ठ वो व्यक्ति है जो निष्कपट भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है तो देखिए इसमें कोई विद्वत्ता की बात नहीं है विद्वत्ता का जो सार है वह है भगवान की भक्ति बहु नाम जन्मनामंत्र ज्ञानवान माम प्रपत्य थे वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ तो ऐसे व्यक्ति महात्मा है विद्वत्ता की चरम सीमा को विद्वत्ता की परिपूर्णता को प्राप्त कर चुका है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवत गीता ये एक ऐसे बक्सा है जिसमें एक जो बहुत मूल्यवान है जो ये बक्सा है इसको कहते हैं पहले छह अध्याय कर्मयोग और फिर जो उसका ढक्कन है इस बक्से का यह है अंतिम तीन अंतिम छ अध्याय ज्ञान योग अब ये बक्सा और उसका जो ढक्कन है ये बहुत मूल्यवान वस्तुओं से बना हुआ है तरह तरह के रत्नों से सुशोभित है सोना है इसमें चांदी है सब कुछ है परंतु इस बक्से के अंदर एक अनमोल रत्न है जो इतना मूल्यवान है कि इस की तुलना किसी भी अन्य रत्न से नहीं की जा सकती तो ये जो रत्न है अमोल रत्न ये इस बक्से के अंदर है और ये है वो छह बीच वाले अध्याय भक्ति योग के दूसरे शब्दों में भक्ति योग या भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एक ऐसे मणि है जिसकी तुलना हम अन्य किसी भी आध्यात्मिक रास्ते से या प्रयास से नहीं कर सकते तो इस तरह से यह गुह्य गुह्य तरह गुह्य तम है अब आप सब जानते हैं कि गीता में पांच विषयों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने किया है प्रकृति काल कर्म जीव और ईश्वर तो ऐसे बताया जाता है कि प्रकृति काल और कर्म इनका ज्ञान गुह्य है वैसे देखा जाए तो जो गीता के बिना इस प्रकृति को समझने का प्रयास करते हैं या काल और कर्म को समझने का प्रयास करते हैं वो सदैव भ्रमित ही रहेंगे वो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि केवल इंद्रियों के द्वारा इस भौतिक सृष्टि को भी नहीं जाना जा सकता तो फिर भौतिक सृष्टि के परे जो है उसको कैसे भले हम जान सकते हैं परंतु जो लोग भगवत गीता का सहायता लेते हैं और फिर वो प्रकृति काल और कर्म को समझने का प्रयास करते हैं कुछ तो समझते हैं जो अधिकृत बातें हैं जो सही बातें वो समझ लेते हैं क्योंकि ये जो बातें हैं वो स्वयं श्री कृष्ण ने कही हैं तो वो तो सत्य ही होंगी जैसे कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण आदि या फिर तरह तरह के जो कर्म होते हैं आ, विकर्म है और फिर अकर्म है ये कौन सी चीज क्या क्या है ये सब समझना कर्मों, तरह तरह के कर्मों में भेद पुण्य कर्म पाप कर्म, इनका जो ज्ञान है ये सब गुह्य ज्ञान है तो प्रकृति काल और कर्म का ज्ञान ये गुह्य है परंतु ऐसे जानते हुए भी जीवात्मा को जानना ये और भी गोह्य है इसलिए इसे गोह्य कहते हैं परंतु प्रकृति काल कर्म जीव को जाने और भगवान को नहीं जाने तो फिर हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है तो जो व्यक्ति प्रकृति काल कर्म जीव को जानता है इसके अतिरिक्त भगवान को भी जानता है ईश्वर को भी जानता है उसका ज्ञान गुह्य तम है तो इसलिए ईश्वर का ज्ञान तम पे गोह्यतम कहलाता है तो जब तक ये जहां तक ये भौतिक सृष्टि की बात है जो अज्ञानी हैं बिल्कुल जिनको भगवत गीता का बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं है वो सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं हम किसी नियम का पालन नहीं करेंगे जो मन में आए वो करेंगे यही स्वतंत्रता है ऐसा ऐसा भी लोग मानते हैं इनकी धारणा होती है कि जो मन में आए वो ऐसा करने से हम मुक्त हो जाएंगे वो नहीं जानते कि वास्तव में यदि वो इस तरह से जिए तो उनका बंधन और गहरा होता जाएगा वो और बंधते जाएंगे इस भौतिक सृष्टि में परंतु जो भगवद गीता को पढ़ता है वो समझने लगता है कि वास्तव में हम तो सब बंधे हुए हैं तो ऐसे ज्ञान जो है ये गुह्य ज्ञान है ये समझ कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं मैं बद्ध हूं तो ये गुह्य ज्ञान है तो किस तरह से ये भौतिक शक्ति कार्य करती है और आ, इसके सूक्ष्म कार्यकलाप क्या है इसको समझना यह गुह्य ज्ञान है और इस भौतिक जो बंधन से कैसे मुक्त होना है जो बद्ध जीव संघर्ष करता है यहां पर एक एक जीवन से दूसरे जीवन में एक योनि से दूसरे योनि में इस बंधन से कैसे मुक्त होना है ये गोह्य ज्ञान है तो देखिए हर हर विषय में गुह्य गुह्यतर गोह्यम ज्ञान की बात हम कर सकते हैं तो जो गीता नहीं जानते हैं आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित नहीं है वो सोचते हैं कि भौतिक सृष्टि ही सब कुछ है सब कुछ अणुओं से उत्पन्न होता है और इस बहुत इन बहुत जड़ भौतिक पदार्थों के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं जीवन भी जड़ पदार्थों से उत्पन्न होता है ऐसे इनकी विचारधारा होती है परंतु यह सही नहीं है जो गीता समझता है वो जानता है कि ये एक शक्ति है तो इस शक्ति को समझने का प्रयास वो भगवत गीता के माध्यम से जब करना करने, करता है तो फिर उसे गुह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि कैसे ये भौतिक शक्ति ये बाह्य शक्ति बहिरंगा शक्ति है यह कार्य करती है और फिर और गहराई में भगवत गीता पढ़ने जाता है वो व्यक्ति तो उसे समझ में आता है कि जड़ पदार्थों किससे अतिरिक्त एक चेतन पदार्थ भी है जिसे आत्मा कहते हैं जीव कहते हैं ये गुह्य ज्ञान है तो हम जब भगवद गीता पढ़ते हैं तो सबसे पहले शरीर और आत्मा में अंतर जान लेते हैं सबसे प्राथमिक जो पढ़ाई होती है गीता की वो यही होती है कि शरीर और आत्मा में अंतर है शरीर जड़ पदार्थों से बना हुआ है बहिरंगा शक्ति के द्वारा निर्मित है और आत्मा है ये तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होने वाली है यह अमर है चेतन है परंतु इससे भी अधिक आगे जब बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि यह बहिरंगा भाई, शक्ति और तटस्था शक्ति इनके भी अतिरिक्त एक और शक्ति है जो सबसे श्रेष्ठ है वह है अंतरंगा शक्ति जो सबसे रहस्यमय शक्ति है गुह्य तम ज्ञान तो बहिरंगा शक्ति का ज्ञान गुहिय है तटस्था शक्ति जीव का ज्ञान गुह्य तर है और भगवान की अंतरंगा शक्ति जिसके द्वारा आध्यात्मिक जगत निर्मित है वो गुह्य तम है फिर साथ साथ ये भी हम जान सकते हैं चार पुरुषार्थ हैं आपने सुना होगा ना धर्म अर्थ काम मोक्ष साधारणतः जो धार्मिक लोग होते हैं वैदिक सभ्यता के अंतर्गत वो ये धर्म अर्थ के पीछे पड़े हैं और काम धर्म अर्थ काम वो धर्म का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अर्थ चाहिए धन चाहिए और धन अपने इंद्र तृप्ति करने के लिए चाहते हैं तो इसलिए वो धर्म अर्थ काम बस इसमें लगे हुए रहते हैं उनका उद्देश्य है काम कि कैसे इंद्रिय भोग किया जाए परंतु कम से कम इंद्रिय भोग करने के लिए वो धर्म के सीमाओं के भीतर रहते हैं मन माने ढंग से नहीं करते भोग इसलिए वो वैदिक सभ्यता के भीतर स्थित होते हैं फिर भी इस भौतिक जगत के परे क्या है कोई कोई और श्रेष्ठ उद्देश्य है या नहीं है इसके बारे में उनको ना ज्ञान है न कोई रुचि है तो इसलिए ये धर्म अर्थ काम ये वैदिक ज्ञान है इसलिए गुह्य ज्ञान कहा जाता है परंतु इससे भी श्रेष्ठ एक ज्ञान का स्तर है जो है मोक्ष धर्म अर्थ काम मोक्ष जब व्यक्ति ऊब जाता है अनेक जन्मों के भोग करने के प्रयास से और उसे समझ में आता है कि ये भोग तो हम कितने योनियों में करते आए हैं तो अभी हमें इस बंधन से आगे बढ़ना चाहिए इससे मुक्त होना चाहिए तो उस समय उसे समझ में आता है कि मुझे जन्म जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए तो गोहत्तर ज्ञान है परंतु आगे चल के यदि ऐसे व्यक्ति का अहो सौभाग्य हो जाए उसके भाग्य खुल जाए उसे एक कृष्ण भक्त से मुलाकात हो जाती है ऐसे कृष्ण भक्त के संपर्क में आके वो भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा जागृत करता है अपने हृदय में और भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन जाता है तो भक्ति का ज्ञान है यह भक्ति का उद्देश्य है यह गोहियतम है तो पुरुषार्थों में से यह पहले तीन पुरुषार्थ जो हैं वो गुह्य है और मोक्ष है चौथा पुरुषार्थ वो गुह्योत्तर पुरुषार्थ है और भक्ति चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं यह परम यह पंचम पुरुषार्थ है पांचवा पुरुषार्थ गुह्यतम पुरुषार्थ वैसे जो भगवान की भक्ति में पहुंच जाते हैं भक्ति करते हैं वो जानते हैं कि ब्रह्मज्योति भी है और इसके परे वैकुंठ लोक भी हैं तो जो ज्ञानी लोग होते हैं उनकी आ, उन उनका सोच होता है या उनकी गति जिस गति को वो चाहते हैं वो है निराकार ब्रह्म जिसे हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं तो ब्रह्म ज्योति का ज्ञान ये गुह्य ज्ञान ज्ञान है परंतु उस निराकार ब्रह्म ज्योति में आध्यात्मिक आसमान में अनगिनत वैकुंठ लोक हैं जिसमें भगवान चतुर्भुज रूप में निवास करते हैं अपने अनगिनत शुद्ध भक्तों के साथ तो इन वैकुंठ लोकों का ज्ञान यह गुहयतर ज्ञान है तो ब्रह्म ज्योति का ज्ञान गुह है वैकुंठ लोकों का ज्ञान गुहत्तर है और सबसे श्रेष्ठ जो आध्यात्मिक लोक है आध्यात्मिक जगत में वो है गोलोक वृंदावन तो गोलोक वृंदावन का ज्ञान गुहतम है तो जो भगवान की भक्ति में आते हैं वो भी जब इस गीता को समझते हैं समझने के स्तर होते हैं तो जो समझते हैं कि भगवान के विभिन्न अवतार हैं जैसे राम है नरसिंह है मत्स्य कूर्मा इत्यादि ये जो ज्ञान है ये गुह है और ये जानना कि श्री कृष्ण परम सत्य है इन समस्त अवतारों के उद्गम हैं वो अवतारी हैं यह है गुह्य ज्ञान और यह जानना कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के गुह्य रूप है छन्न अवतार जो इस कलयुग में विशेष करके प्रकट हुए हैं हमें वृंदावन के उज्जवल रस का आस्वादन कराने के लिए वो है श्री चैतन्य महाप्रभु ये गुह्य ज्ञान है तो भगवत स्वरूप है जो ज्ञान है उसका गुह्य स्तर है अवतारों को पहचानना गुह्य स्तर है श्री कृष्ण को पहचानना और गुहतम स्तर है श्री चैतन्य महाप्रभु को पहचानना वैसे तो इन अवतारों में कृष्ण में चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है हुँ? और फिर जब हम शुद्ध भक्ति के स्तर में भी आ जाते हैं तो उस समय भी रस और दास्य रस का ज्ञान होना ये गुह्य ज्ञान है और आगे चल के सख्य रस और वात्सल्य रस का ज्ञान होना ये और भी गुह्य, गुह्य तरह ज्ञान है और माधुर्य रस या श्रृंगार रस का ज्ञान होना ये गुह्य तम ज्ञान है इस तरह से देखिए इसी एक ही ग्रंथ को समझने के लिए कितने स्तर हैं इन समस्त चीजों के बारे में ज्ञान यहाँ पर भगवद गीता में दी हुई है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी समझाते हैं कि भगवद गीता को समझने के लिए भक्तों में भी दो स्तर होते हैं। एक साधकों का स्तर और दूसरे रसिक भक्तों का स्तर जो साधक होते हैं और जो आगे चल के वैधि भक्ति के द्वारा आगे बढ़ते हैं उनकी समझ एक प्रकार की होगी परंतु जो वृंदावन के भक्तों के पद चिन्हों में चलने वाले भक्त हैं और इस रास्ते में आगे बढ़ चुके होते हैं जो रसिक भक्त होते हैं उनकी समझ कुछ और होती है वैसे तत्वतः कोई अंतर नहीं है परंतु ऐसे सूक्ष्म बातें इन तत्वों में होती हैं जो रसिक भक्त जानते हैं जो तत्व के ऊपर से भी रस के स्तर में आप पहुंचते हैं यह गोहतम बात है तो इसलिए जो व्यक्ति इन सारे चीजों को जान लेता है और अंततः वृंदावन के भाव में श्री कृष्ण से प्रेम करता है वो तर गोहिय तम स्थान में स्थित हो जाता है तो शिल भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी ऐसे विश्लेषण किया है गुहय गुह्य तर तो आज भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने कही थी अर्जुन से तो इन तीनों स्तरों से हम इस भगवत गीता के ज्ञान को समझ सकते हैं हर एक श्लोक को हुँ? कभी कभी एक श्लोक को भी तीन स्तरों में जाना जा सकता है और संपूर्ण भगवत गीता को भी हम अलग अलग तरह से समझ सकते हैं जैसे कि शिल प्रभुपाद जी ने भक्त विनोद ठाकुर ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने समझाया है तो आज हम आ, हम सब ने गीता का पठन किया परंतु पठन करना इतना अच्छा है बहुत अच्छा है आ, परंतु बात आ, आगे भी बढ़नी चाहिए इन श्लोकों को और गहराई से समझने का प्रयास भी हमें करना चाहिए इसलिए भगवत गीता जैसे प्रभुपाद जी ने बतलाया है तो वैसे भी तो अच्छी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बहुत बहुत धन्यवाद अब दो मिनट कीर्तन करेंगे क्योंकि नाम संकीर्तन एक गुहतम है नाम संकीर्तन के द्वारा ही हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थान प्राप्त कर सकते हैं श्री वृंदावन धाम को प्राप्त हो सकते हैं नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन नितिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत प्रभुनितानंद्रीअद्वत भक्त श्रीवासादिगौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे <coughs> <coughs> हरे, राम, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे <clears throat> Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare, Hare. Hare Rama, Hare. Rama, 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 Hare, Hare. Hare, Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Krishna, Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Rama Hare, Hare. Hare हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 जय प्रभु पाग जय प्रभु पाग जय प्रभु पाग जय प्रभु पाग प्रभु पद जय प्रभु पद जय प्रभु जय प्रभ हरि बोल हरि बोल हरि बोल निप गोरा हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि बोल श्री गीता जयंती महोत्सव की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा